माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम इन SVPS ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। यस्टरडे इन प्रीवियस वीडियो आई टीच यू एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम। टुडे आई विल टीच यू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम 2 का थर्ड पार्ट। सेकेंड तक सॉल्व करवा दी थे। थर्ड वीडियो क्वेश्चन नंबर थर्ड द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। फाइंड द नंबर सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर। देखिए टू नंबर अलग है, टू डिजिट नंबर अलग है। टू नंबर अगर क्वेश्चन में आता है तो आप लेट करेंगे टू नंबर से एक्स एंड वाई, और टू डिजिट नंबर है तो टू डिजिट नंबर 10 to 99 है, 10 से लेकर 99। टू डिजिट नंबर में आपका एक यूनिट डिजिट होता है और एक टेंथ डिजिट होता है ना। तो अब यहाँ क्या लेट करेंगे, लेट यूनिट डिजिट, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स, टेंथ डिजिट इक्वल टू वाई। अब नंबर लिखेंगे नंबर इक्वल टू 10y + x। जो भी नंबर होती है उसमें टेंथ डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई प्लस यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट इंटू 10 प्लस यूनिट डिजिट। जैसे आपकी नंबर ये होती है टू डिजिट नंबर 10 से लेकर के 99 तक, इसमें एक यूनिट डिजिट है और एक टेंथ डिजिट है। कोई भी नंबर जैसे आप लिखेंगे 72 तो 7 × 10 + 2 इक्वल टू 72 आ गया। तो देखिए टेंथ डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई प्लस यूनिट डिजिट। जैसे आपने लिखा 93 तो 9 टेंथ डिजिट, ये 1 है ये 10 है, तो 9 × 10 और प्लस यूनिट डिजिट 10 × 9 = 90 और प्लस 3 = 93 आ गया। इस तरह से नंबर आपकी रिटर्न की जाती है टू डिजिट की। तो जब भी टू डिजिट क्वेश्चन आए तो इतना आपको करना ही है कि यूनिट डिजिट लेट करें और एक्स डिजिट लेट करें, उसके बाद नंबर रिटर्न करें। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग कंडीशन फर्स्ट है सम ऑफ द डिजिट, डिजिट उसके एक्स वाई और नंबर ये है 10y + x। तो डिजिट कौन कौन से है, एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द डिजिट इज 9, सम ऑफ द डिजिट इज 9, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स 9 गुना 10y + x, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस नंबर ऑफ 10y रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ट्वाइस इक्वल टू 2 रिवर्सिंग ऑर्डर, तो ये हो जाएगा 10x + y। रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट या इंटरचेंजिंग द डिजिट का मीन्स होता है कि यूनिट वाला टेंस पर चला जाता है, टेंस वाला यूनिट पर। अब यहाँ पर बाई टेंस डिजिट है, अब एक्स हो गया टेंथ डिजिट और बाई हो गया आपका यूनिट डिजिट, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट या इंटरचेंजिंग द डिजिट। इसको सॉल्व करके सेकेंड निकालिए तो 10 × 90y - 9x + 20x + 2y। एक तरफ लाएंगे तो 90 - 2 कितना बचेगा 88 / 9 - 20 तो कितना बचेगा -11x = 0। अब ये डिवाइड बाय 11 है, किससे है डिवाइड बाय 11, 88 - 11 बन जा x = 0 या x = 8y, ये 2 हो गया। अब आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है, आप पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट x = 8y, वी गेट 8y - (+y) = 9। 8y + y कितना हो गया 9y = 9, y = 9/9 = 1। y की वैल्यू 2 में पुट कर दीजिए, पुट y = 1 इन इक्वेशन 2, तो x = 8 बन गया 8x = 8। अब नंबर रिटर्न करेंगे तो नंबर इक्वल टू कितनी हो गई, यूनिट डिजिट एक्स था एक्स पर रख दीजिए, टेंथ डिजिट बाई था बाई, 18 हो गई। कितनी हो गई
18 आंसर चेक कर लीजिए, सम ऑफ द डिजिट 9 है, देखिए 8 बन प्लस 1 सम ऑफ द डिजिट 9 हो गया। अब इसका 9 times दिस नंबर इज इक्वल टू 2 times नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट 18 का कितना हो जाएगा 81 गुणा कर दीजिए, ये भी 162 देखो इक्वल है, तो ये आंसर चेक किया गया है, आंसर आपका रिक्वायर है 18 नंबर हो गई आपकी 18। इस तरह से आप ये सम आप डिजिट वाला लगाएंगे, 2 digit नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट ही लेट करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट कह रहा है कि मीना बेंड टू बैंक टू विथड्रा रुपया 2000, मीना बैंक गई और उसने 2000 रुपए निकाले, सी आस्क्ड द कैशियर उसने कैशियर से कहा टू गिव हर रुपया 50 and 100 नोट ऑनली कि उसको केवल 50 रुपए 100 रुपए के नोट दिए जाए, मीना का 25 नोट इन ऑल मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए, फाइंड हाउ मेनी नोट आर रुपया 50 and 100 रिसीव उसने कितने 50 रुपए के नोट रिसीव किए और कितने 100 रुपए के लिए, यानी मीना एक बैंक गई है और मीना ने बैंक से 2000 रुपए निकाले हैं और कैशियर से कहा कि हमें केवल 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दिए जाए, मीना को कैशियर ने कुल 50 नोट दिए हैं तो कितने 50 रुपए के नोट है, 25 नोट दिए हैं तो कितने 50 रुपए के नोट है, कितने 100 रुपए के नोट है, तो लेट रुपया 50 नोट इक्वल टू एक्स, रुपया 100 नोट इक्वल टू वाई, तो देखिए 50 रुपए के एक्स नोट है और 100 रुपए के वाई नोट है, नोटों की संख्या फिक्स है कितनी है 25, तो इसका सम हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 क्वेश्चन नंबर 1। अब उनका प्राइस है 2000, तो 50 रुपए के एक्स नोट है तो उनका प्राइस हो गया 50x प्लस 100 के वाई नोट है उनका प्राइस हो गया 100y और इन टोटल हो गया 2000, तो क्वेश्चन 2 इसको 50 से डिवाइड कर दीजिए तो एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0040, इसको 2 डालिए डिवाइड बाय 50, अब सॉल्विंग 1 and 2 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, ये क्वेश्चन 1 है, देखिए x के काफी सेंट सेम है तो सब्ट्रैक्शन होगा माइनस 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 ये कैंसिल होगा, एलिमिनेशन मेथड है ये, 2y माइनस वाई वाई बचेगा 40 माइनस 25 इक्वल टू 15, वाई की वैल्यू आ गई है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट वाई इक्वल टू 15 बी गेट x प्लस वाई की वैल्यू 15 25 तो x इक्वल टू 25 माइनस 15 0 30 नहीं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 वाई इक्वल टू 15 हाँ 25 माइनस 15 10 बचेगा, अब आपका आंसर आ चुका है, देखिए रुपया 50 नोट्स इक्वल टू एक्स थे एक्स की वैल्यू कितनी है 10, रुपया 100 नोट्स इक्वल टू कितनी बाई की वैल्यू है 15, 100 रुपए के 15 नोट है 50 रुपए के 10 नोट है, नोटों की संख्या 25 हो गई, 50 रुपए के 10 नोट है तो 500 हो गए, 100 रुपए के 15 नोट है तो 1500 हो गए, 1500 ये और 500 ये 2000 रुपए हो गए, इस तरह से इसका आंसर भी आ गया है, तो इसमें एक पार्ट बचा हुआ है फिफ्थ पार्ट, तो ये होमवर्क में है आपका पार्ट फिफ्थ, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।